Recommendations come unanimously from the committee. All political parties represented in Parliament have affixed their signatures. We have brought real and substantive parliamentary oversight and democratic accountability to our foreign security policy. असलम नाजरीन प्रोग्राम पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद मैं हूँ शाजियाम नाजरी दहशत गर्दी के नाम पर शुरू की गई इस जंग में जिसमें पाकिस्तान अमरीका का सबसे बड़ा इतिहादी है फ्रंट लाइन के तौर पर हम काम कर रहे हैं लेकिन इस जंग में हमें सिर्फ नुकसान मिला है ये जो जंग ये हमारी है भी नहीं इस जंग ने अगर हमें कुछ कुछ नहीं हमें इस जंग में मिला अगर कुछ मिला है तो हमें ड्रोन हमले मिले हैं सलाला चेक पोस्ट पर नौजवानों की हमारे जवानों की शहादत हमें मिली है और हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है फिर अब जाकर कहीं हमें होश आई कि अब हमें जागना है अब हमें उठना है अब हमें शायद कोई लाइन ड्रॉ करनी चाहिए मामला की पार्लियामानी कमेटी के पास कुछ सिफारिशात तैयार हुई पार्लियामेंट में गया यह मामला मुस्लिम लीग नून की कुछ रिजर्वेशन थी मौलाना रहमान की कुछ रिजर्वेशन थी लेकिन आखिरकार इन रिजर्वेशन को दूर किया गया और चौदह निकाती सिफारिशात को मंजूर करके आखिरकार कल पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया सिफारिश क्या थी कि ड्रोन हमलों को बंद किया जाए हमारी कौमी सलामती का एहतराम किया जाए इसल लेकर जाने पर पाबंदी होगी सलाला चेक पोस्ट पर माफी मांगी जाए ऐसे वाकत दोबारा नहीं होंगे अपितबाद ऑपरेशन जैसे वाकत भी दोबारा नहीं होंगे ऐसे ऑपरेशन दोबारा नहीं होंगे देखने और सुनने में नाजन ये बातें बहुत अच्छी हैं हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि पहली बार पार्लियामेंट ने अपना रोल अदा किया है खारजा पॉलिसी बनाने में एक लाइन ड्रॉ करने में लेकिन सवाल यही है इस वक्त जो आप घर बैठे जो भी प्रोग्राम देख रहा है हर एक के सहन में सवाल यही आ रहा है बातें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिनके तहत इन पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके इन सिफारिशात पर अमल दरामद हो सके सही रोल तो अब शुरू होगा जब ये इन पर इम्प्लीमेंटेशन होगा और अमरीका हमारी कौमी सलामती का एहतराम करते हुए इन सिफारिशात पर अमल करेगा यही वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज अपने मेहमानों से लेने और हमने अपने मेहमानों को दाव दिया हमारे स्टूडियो में है इस्लामाबाद स्टूडियो में है परवरशाह खान हैं एम एन ए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है बहुत शुक्रिया आपका नसीर भुट्टा हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं एम एन ए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद ये दिफात तजय नगार हैं इनका मौक़ जानेंगे और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल

यहाँ पे ड्रोन हमले नहीं होंगे और ये भी आपको बताना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ राशन लेकर जाएं। ड्रोन हमले नहीं होंगे सिर्फ गजाई अजनास जाने की इजाजत होगी इसका मतलब यह है कि नेटो सप्लाई बहाल करना होगी असल नहीं ले जाया जाएगा नसीर भुट्टा साहब तीन हफ्ते लगे इस बहस में बड़ी मुतनाजिया बनी रही ऐसी कौन सी मीठी गोली आप लोगों को दी गई कि कल तीन घंटों में सारी करवाहट दूर होगी कैसे आपके सारे एतराजात कैसे आपके सारे तहफा एकदम दूर हो गए देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था खास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से अपोजिशन के जो तहफात थे वो भी बड़े शदीद थे अभी जैसे कि आपने बयान मियाँ साहब का ये टेलीकास्ट किया रिगार्डिंग द्रोन अटैक्स जी तो वो भी वो तो ना सिर्फ़ मियाँ साहब का बयान है बल्कि पूरी कौम का ये कंसर्न है कि हमारे मुल्क की सरहदाद के अंदर आकर के ये ड्रोन अटैक्स जो हो रहे हैं और ख़ास तौर पर ड्रोन अटैक्स के बाद जो उसके आफ्टर मैथ हैं वो भी बड़े खौफनाक हैं कि एक ड्रोन अटैक होने के बाद वहां पे सिविलियन जो है, है आपको भी पता है ड्रोन नहीं नहीं हमले बंद हो जाएंगे सलाला जैसे वाकत पेश तो नहीं आएंगे सिफारिशात पर आपको एतराजा तो इन्हीं बातों पर थे ना श्योरिटी मांग रहे थे ना चौधरी निसार भी कह रहे थे मियाज साहब भी कह रहे थे आप मुझे ये बताएं कि आपको श्योरिटी मिली तहरी दिया गया कि अगर ड्रोन हमले होंगे तो आप क्या करेंगे नहीं बयान तो दिया गया लेकिन बयान जो है ऑब्जेक्टिविटी object, जो है वो श्योरिटी भी है श्योरिटी कैसे श्योरिटी इन देंस हम ये चाह रहे थे राइट फ्रॉम द डे वन कि हुकूमत जो है वो अपनी सीरियसनेस दिखाए ताकि जब ये टेबल टॉक हो इनकी बिटवीन द फॉरेन गवर्नमेंट बिटवीन द नेटो अथॉरिटीज़ एंड बिटवीन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो इस चीज के ऊपर देश शुड बी शोइंग द कॉन्फिडेंस कि पाकिस्तान की जो सरहदात हैं पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है पाकिस्तान की जो इस वक्त अंदरूनी महाज है उसके ऊपर कोई फॉरेनर जो है वो आके अटैक आपकी सारी बातों से बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ लेकिन आप लोगों को सिफारिशात में ये बात शामिल नहीं करवानी चाहिए थी कि अगर ड्रोन हमले होते हैं तो तो पाकिस्तानी हुकूमत क्या करेगी आप हमें बताएं कि अगर वो हमारी बातें नहीं मानते अगर फिर हमारी जमीन और की खिलाफ वर्जी होती है, तो फिर क्या किया जाएगा इन बातों को सिफ़ारिशात में शामिल नहीं करवाना चाहिए था आई डे इग्नोर करना है रोल अदा करना है जिस तरह अपोजिशन को करना चाहिए बिकॉज अगर सपोजिंग सपोजिंग खुदा करे कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पूरी पार्लियामेंट की इस मोहर के बावजूद ये होता है कि ड्रोन अटैक्स भी होते हैं या वायलेशन होती है या जो सिक्योरिटी पॉलिसी दी गई है जो गाइडलाइंस दी गई हैं ख़ासतौर पर पूरी पार्लियामेंट की जानब से और आई टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इसने अहमदल्ला एक पॉजिटिव रोल अदा किया है फॉर दी थ्री वीक्स जैसे अभी आपने कहा कि हमारे तमाम लेकिन, और तीन, हफ्तों जो लेकिन तीन हफ्तों के बाद भी हमें नजर तीन हफ्ते की बहुत अच्छी बातें हैं हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं ऐसा ही होना चाहिए हमारी कौमी सलामती का एहतराम भी होना चाहिए लेकिन आप लोगों के पास इम्प्लीमेंटेशन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि अमेरिका इसकी खिलाफ वर्जी ना करे ड्रॉन हमारी यहाँ पर नाएं ड्रोंस यहां पर ना गिराए जाए सलाला जैसे वाक्यात ना हो एक माफी तो वो मांग नहीं सके अभी तक देखिए शाजिया सबसे पहले तो इससे पहले आ, ऐसा हुआ नहीं कि ये इतनी ब्रॉड कंटर्स जो हैं फॉरेन पॉलिसी के वो आ, हमारी पार्लियामेंट में आए और इतने खुलम खुला ज़ेर बहस आए और इस तरह से हम आँखों में आंखें डालकर एक सुपर पावर से बात करें सबसे पहले लेट रियलाइज जो हमारी ज़मीनी हकायक हैं हमारे और उनके वो एक सुपर पावर है और हम एक, एक जंग में चाहे वो हमारी थी या नहीं थी हम झोंक दिए गए अब इस बहस के लिए मैं समझती हूँ कि देर हो गई है लिहाजा एक सिचुएशन में हम पड़े हुए हैं और उस सिचुएशन में हमने ये महसूस किया कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और उस पर आप ये देखिए कि पहली दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा ये नेटो सप्लाई रूट्स बंद हुए ये एक छोटी बात नहीं थी इसके बाद आपने मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी बॉन्ड कॉन्फ्रेंस पे आपको पता है किस कदर प्रेशर था वो रिजिस्ट किया गया आज तक नेटो सप्लाई रूट्स बंद है और सबसे पहले हमने पहला कदम ये उठाया कि इसको पार्लियामेंट की ओवरसाइट में दिया है और पार्लियामेंट की ओवरसाइट सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी पॉलिटिकल जो मसाइल हैं मुल्क में लेकिन उसके लिए मुझे ब्रेक भी मैं लेनी है मुझे ब्रेक लेनी है ब्रेक लेनी है मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ लेकिन पार्लियामेंट ने भी जो सप्लाई की जो मुकम्मल बहाली है इसकी जो जिम्मेदारी है वो आखिरकार इंतजामिया के कंधों पर डाल दी है अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी नहीं ली है ब्रेक का वक्त हुआ है ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फरीद पराचा भी हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और दिफात तर्जय नगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद भी हमारे साथ मौजूद है इनसे भी इनका मौक लेंगे टेक अ ब्रेक ब्रेक के बाद के बाद खुश आमदी कौमी सलामती की सिफारिश पार्लियामेंट में मंजूर की गई एकदम ने यूटर्न लिया जमात इस्लामी के अपने, के अपने मौलाना के भी थे जो के की एक मीटिंग के बाद उनके भी दूर हो गए हमारे साथ लाइन में मौजूद है इनसे बात करते हैं फरीदो राजा साहब ठीक लगी आपको खारजा पॉलिसी जो बनाई गई पार्लियामेंट मंजूर की आपकी कुछ रिजर्वेशन अभी है कौन सी चीज है ये तीन करारदाने तो इससे पहले हो चुकी हैं इससे ज्यादा जोरदार अल्फाज थे कोई इनमें कोई नई बात नहीं की गई यही ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है और अगर आप देखें तो उसमें बाद अमली इकदाम भी थे और पूरी पार्लियामेंट ने मुतफिका उन्हें किया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की गई उसके भी सारे ऐलामिया मौजूद थे अब ये कि जो कुछ बात की जा रही है यानी इससे ज्यादा कमजोर बात कोई नहीं है तो ड्राउन हमले बंद होने चाहिए कौन बंद कराएगा किस तरह से होंगे और अगर इनका ये इखलास होता तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के साथ नेटो सप्लाई बहाल हुई है इस तरह में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान राजा और फौज को देते और कौन सुनती अब इसके बाद कोई ड्राउन अगर आया उसको मार गिराया बिल्कुल हम भी यही बात कर रहे हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आप आप ये आप भी बड़ा वावेला मचा रहे हैं जमात इस्लामी भी बड़ा शोर मचा रही है ड्रोन हमले हुए तो हम ये कर देंगे दिफाई पाकिस्तान भी जो है वो भी जानों का नजराना देने के लिए तैयार है आप ये बताएं आपके पास ऐसी कौन सी ताकत है आप किस तरह ड्रोन को रोक सकते हैं आप क्या करेंगे कह चुके हैं माफ कीजिएगा आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है हम आपको दोबारा लाइन पर लेते हैं फरीद साहब की आवाज नहीं आ रही है ठीक तरह से दिफाई तजय नगर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद हमारे साथ है उनसे बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब यह कहा गया कि हाल जाने की इजाजत नहीं होगी जिसका मतलब ये हुआ कि गजाई अजलास जाएगी खाने पीने की अशिया जाएगी लेकिन असलहा नहीं जाएगा तो क्या हमारे पास ये राइट्स हैं क्या हम हर कंटेनर को चेक कर सकते हैं क्या ये हमारे लिए पॉसिबल होगा पहली चीज तो बुनियादी तौर पे आपने जो सही सवाल उठाया है चंद चीज़ें इसमें टोटली इग्नोर की गई हैं और ये जो आपने कहा है कि जी क्या हर कंटेनर को हम चेक कर सकेंगे और उसमें से जो गुमशुदा कंटेनर्स का माजी में रोल रहा है कि कंटेनर आए और ग़ायब हो गए जी उन, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये भी बहुत एक अहम पहलू है बिल्कुल इसमें फिर एक और चीज़ है जो आप जो अभी जेर बहस भी है कि बड़ी खुशायन बात है कि ये पॉलिसी फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट के हवाले की गई और उन्होंने इसके ऊपर बहस की और कौमी लाया अमल उसके ऊपर कुछ तय हुआ लेकिन इसमें बहुत सारे खला हैं जिनकी तरफ किसी की तोजो नहीं गई मसला आपने किन शराइ पर यह इसकी बहाली का इंदिया दिया है क्या जो आपकी शराइ पार्लियामेंट ने तय की है क्या एग्ज़ेक्टिव भी यही शरात आगे पेश करेगी और अगर पेश करेगी तो क्या अमरीका को यह सारी शरात काबिल कबूल होंगी और अगर ये काबिल कबूल ना हुई तो उस रूप में हुकूमत का मौक़ क्या होगा इसके मुतलक बड़ी बहुत बड़ी वजाहत जो है वह एग्जेक्टिव के ऊपर आती है आपका इंदिया क्या है और आप करना क्या चाह रहे हैं इसी तरह जर तलाफी का कोई जिक्र इसमें नहीं है कि जी आपकी सड़कें टूट फूट रही हैं बाकी सब कुछ हो रहा है कौमी गैरत की जो बात है फ्री सब कर रहे थे वो तो अपनी जगह है लेकिन किन शराय पर आप अपनी सड़कें अपना सारा रेलवे रोलिंग स्टॉक और बाकी अशिया उनको फ्राहम कर ले तीसरी बहुत बड़ी चीज जो इसमें जिसका जिक्र ही नहीं किया गया कि आपका जो एयर स्पेस बदस्तूर इस्तेमाल हो रहा है वो अभी भी खला में है उसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया गोया टेकन फॉर ग्रांड है कि आपका एयर स्पेस बदस्तूर इस्तेमाल होता होता रहेगा अगर होता रहेगा अगर तो किन शराब पे होगा सही। और उसका क्या कंपनसेशन आपको दी जाएगी अगर ये यह कि बाकी शराय भी अमरीका को काबिल कबूल हुई और जो सबसे बड़ी शर्त ये है कि क्या ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे सही बिल्कुल ठीक साथ पलवशा आपने मिसिंग पॉइंट्स देखे क्या ये पॉइंट्स शामिल नहीं होने चाहिए थे आपकी सिफारिशात में कौन सा पॉइंट ये आप मुझे बताइए एक एक करके ये कि ड्रोन हम बिल्कुल बिल्कुल कि ड्रोन हमले अगर होते हैं तो क्या रिस्पांस होगा आपने इसमें मेंशन किया इन सिफारिशात में जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ इसका नुकसान कौन पूरा करेगा और सबसे अहम बात जो इन सिफारिशात में ये की गई है कि जो गजाई अजनास जाएंगी असलहा नहीं जाएगा आपने बताया कि आप लोगों के पास एबिलिटी है कि आप हर कंटेनर को चेक कर सकेंगे ये पॉइंट मिसिंग है देखिए ये मैं सबसे पहले आपको बताऊं ये ब्रॉड कॉन्टूअर्ड हैं एक रहनुमा असूल जिन्हें कहना है चाहिए वो हैं इसमें ग्रिटी जो है मैकेनिज्म जो है किस तरह चेक होगा वो मेरे ख्याल में आना भी नहीं चाहिए दैट इज़ समाउ वो हमारा अपना मामला है और हम उसको शायद इस इस तरह एक ओपन डॉक्यूमेंट में लाना भी मुनासिब नहीं है और ड्रोन अटैक्स पर जब इसमें एक बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा गया है कि दे विल नॉट बी परमिटेड ठीक है इसका मतलब है कि उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसी दो करारदादे तो पहले भी आप ले आए ऐसी दो करारदादे तो पहले भी ले आए जब वो मंजूर हुई तो उसके दो, दो दिन बाद अटैक हो गए तो फिर आपको समझ आएगी जी अगर आप मुझे प्लीज सेंटेंस खत्म करने दिया करें जो मैं बोल रही हूँ तो बात ये है कि जो ड्रोन हमलों पर रिएक्शन होगा वो आपकी जो स्ट्रेटिजिक और आपकी ग्राउंड रियलिटीज हैं और जो आपकी केपेबिलिटीज uh, हैं आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको उन तमाम हकायक को सामने रखकर वो फैसला होगा वो चीज़ें भी आप इस किस्म के डॉक्यूमेंट में ओपन नहीं कर सकते लिहाजा जहां तक कह दिया गया है पार्लियामेंट में तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने यूनानसली जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करती हैं और पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करती हैं उन्होंने जब यह कहा दे विल नॉट बी परमिटेड इसका मतलब है कि उनको बर्दा

से या ड्रोन की आ, आ, किसी ड्रोन हमले से कोई भी हमारी एयर स्पेस या हमारी कोई भी स्पेस वायलेट हुई तो वो परमिटेड नहीं होगी अब उसके क्या तरीका हैं, वो कोई मुल्क भी नहीं लिखेगा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट में लिहाजा उसको आप इतना मतलब अहम नहीं, नहीं इस बात चीज है क्योंकि आप परमिट नहीं किया परमिट तो हम शुरू से करें लेकिन इसके बावजूद ड्रोन हमले हो रहे हैं आप आज के बाद की बात कीजिए ना जी परमिट तो हम नहीं कर रहे लेकिन उस वक्त आप देखिए ये इस वक्त पूरा रिविजिट है एक पूरा रिवैम्प कर रहे हैं आप फॉरेन पॉलिसी को तो आप शुरुआत यहाँ से लीजिए कि जब एक दफा कह दिया गया है इसमें कह है। पास्ट में जो हुआ हमने कहा हमारी बातें नहीं मानी गई उसके अब देखिए उसके, उसके उस तमाम चीजों के नतीजे में हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि आज ड्रोन हमले जो आज हमारी नेटो सप्लाई रूट्स हमने बंद कर दिए हैं और हमें पूरा रिविजिट पहले हम रिविजिट भी नहीं कर रहे थे पहले कभी भी पार्लियामेंट में इस तरह नहीं हुआ कि एक फॉरेन पॉलिसी और एक सुपर पावर की साथ लेट इज ऑल्सो नॉट इग्नोर हमें जो है वो हम हमेशा से लेते आए हैं और जिसकी हमें जरूरत रहती है जी फरीद फरीदा साहब क्या कॉमेंट करेंगे इस पर बातें एक बात तो यह ये, ये असला नहीं जाएगा है। क्या ये उसको करेंगे, उसको निकालेंगे? ये किस को धोखा दे रहे हैं? और सवाल यह करारदाद पास की या पॉलिसी दी उधर नेटो सप्लाई बहाल कर दी अमेरिका से क्या आपने लिया है? उनका जवाब क्या है आप यकतरफा तौर पर सारा काम कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो तो रखते हैं जो मौद्दाना गुजारिशों से ये सारी चीजें हो जाएंगी ये मौदबाना गुजारिशों से मामला नहीं होते सही बिल्कुल 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 आप ठीक बात कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है ब्रेक लेनी है फरीदपुर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नसीर भुट्टा साहब से पूछेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून का इन सिफारिश पर दस्तखत करना मानना मेंटर से मुलाकात का नतीजा है ब्रेक के बाद

उसके अंदर नेशनल इशू इश्यूज जो थे वो डिस्कस हुए थे और नेशनल इश्यूज इसलिए डिस्कस हुए थे कि हम लोग पार्लियामेंट का एक हिस्सा हैं वी आर हैविंग अन मोर देन 93 मेंबर्स इन द पार्लियामेंट और उसके अंदर ख़ास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो इस वक्त डिस्कशन चल रही थी उसके अंदर भी हमारी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है बिकॉज़ खासतौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से के सब सब को थे है? मेरी बात so दिस दो ग्रुप के भी कैमरान कामरान सुने सुने मिले आपसे भी मिले बाद में आपकी भी नाराजगी दूर हो गई मौलाना साहब की भी नाराजगी मतलब लिया जाए इसका फिर देखिए मीटिंग्स टेबल टॉक गुफ्त शनीद इट्स अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर सिस्टम डेडलॉक करने तो नहीं हम बैठे हुए थे ना कि पार्लियामेंट में हम बैठे हैं डेड लॉक कर दो स्टेटस को कर दो नथिंग फर्दर नथिंग बैकवर्ड नथिंग मूव और इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट ना हो तो देखिए अगर क्या डेवलपमेंट हुई क्या, क्या क्या डेवलपमेंट हुई पी एम एल पीएमएलएन इज पार्लियामेंट देन इट टू प्ले इट्स पिवोटल रोल और उसके ऊपर हमने रोल वो अदा किया अगर हम वो रोल अदा ना करते तो कौन पूछने आता हमें कौन हमें गा? अगर हमारे इतराज़ात थे हमारे तहफजात थे दैट इट अबाउट थ्री वीक्स और तीन हफ्ते डिलीबरेशन होती रहीं पहले एक ड्राफ्ट आया आपको तो याद होगा और वो कल ड्राफ्ट जो था वो फिर विड्रॉ हुआ रबानी ने वो ड्राफ्ट विदड्रॉ किया न्यू ड्राफ्ट वॉज गिवन और उस न्यू ड्राफ्ट के अंदर जो आई आपने खुद पढ़ी है एवरी बॉडी नेट के ऊपर बट दिस इज सब्जेक्ट टू दी ऑब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि uh, uh, totally पाकिस्तान पाकिस्तान की जो इस वक्त सालमियत के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले बंद होने चाहिए अगर नहीं होते तो क्या करेंगे अगर जबागे? नहीं होते वी विल हैव टू राइज वी विल हैव टू रेज आर फ्लोर ऑफ हाउस इन स्ट्रीट इन पब्लिक ऑन द मीडिया एवरी वे बिकॉज एवरी एवेन्यू इज ओपन फॉर एस ये नहीं हो सकता कि हम लोग खामोश तमाशाई बने रहें, ना हम स्टेटस को का, का हिस्सा बनना चाहते हैं ना हम डेडलॉक पैदा करना चाहते हैं वी वॉन्ट टू फर्दर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट और पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो अब मुतरशे होंगी वेन दवर्नमेंट विल हैव टेबल टॉक विदो दिल है टेबल टॉक विदर कंट्रीजनाइटेड स्टेट क्योंकि जब तक हम लोग एज अ पार्लियामेंटेरियन अपना रोल अदा नहीं करेंगे ये मामले हल नहीं होते होंगे ये सवाल जो आपका है खासतौर पर क्या ये जो रेजोल्यूशन है इट विल बी सफिशेंट

कि ये आप अगर इससे दुगनी भी सफारशा मुरतब करके अपने पास रख लें और अमरीका को वो काबिल कबूल ना हो तो उनका मकसद क्या है ये तो जब आपकी निगोसिएशन होंगी उसके बाद देखा जाएगा कि आपके कौन से मुतालबात मानने पर अमरीका रजामंद है कौन से मुतालबात मानने पर रजामंद नहीं अलबत गवर्नमेंट का ये मौक़ बिल्कुल सामने वाज होना चाहिए कि पार्लियामेंट की जो सफारशा हैं अगर वह ना माने गई पहले से उन कंडीशनैलिटीज़ को अगर अमरीका तस्लीम नहीं करता तो तो नेटो की सप्लाई बहाल नहीं की जाएगी अगर गवर्नमेंट का यह मौकाफ होता तो हम यकीनन कहते हैं कि जी पार्लियामेंट ने जो मेहनत की है जी। वो किसी काम आई है और, और कौम के कौम की जो ख्वाहिशात हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट होती हमें दिखाई दी सिर्फ जैसे मैंने अर्ज़ किया दुगनी तिगनी सफारशा बना लें और उनमें से एक भी काबिल कबूल ना हो जिनमें से आपकी सर फहरिस्त थी कि अमरीका इसकी गैर मशरूत माफी मांगे क्योंकि पाक जो हमारी फौज के एलिमेंट्स हैं कंसर्न उनका ख्याल था कि दस में से एक चांस भी गलती का नहीं बनता नौ के नौ चांसेस चांसरेट अटैक के हक में जा रहे हैं अब जब इतनी पॉजिटिव उनकी इन्वेस्टिगेशन हैं और उसके बाद अमेरिका उसको सुनने को तैयार नहीं है माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है कोई आपको इश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है तो मेरे ख्याल में ये फिर शौके आप समझते हैं कि अमेरिका के लिए सिफारिश काबिल नहीं है ये तो उनसे बात करने के बाद पता चलेगा लेकिन मेरा मेरी गुजारिश यह है कि ये भी साथ तय कर देना चाहिए कि अगर अमेरिका इन सफ़ारशात को तस्लीम करने पे रजामंद ना हो तो उस सूरत में नेटो की सप्लाई बहाल नहीं की जाएगी ये कैटेगारी के कली कहना चाहिए ताकि अमेरिका पे भी वाजे हो कि वो एक, एक गैरतमंद कौम के साथ डील कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं कि हर जगह वह अपना रास्ता जो डोज करते चले जाएँ राजा साहब आवाब ने फैसला किया है आपको इससे पहले एतराज होते हैं कि पार्लियामेंट फैसले नहीं करती पार्लियामेंट के फैसले पर अमल दरामत नहीं होता। अब जाके अगर पार्लियामेंट ने यह फैसला किया है तो जमात इस्लामी इस आप, आप ही कोई फार्मूला बता दे आप अपना ही कोई लाइम बता दे हुकूमत को और अपोजिशन को की अगर ये ना हुआ तो आपकी जानब से इस तरह का रद्द अमल सामने आएगा अरे ये बात वाजे है नाईर किसी वो बहाल करने का ऐलान एला, कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत और जैसे कि मैंने कहा है इससे पहले इस पर आप गौर करें कि जो रुके हुए हैं कंटेनर जो बहाल होंगे उनमें तो असला जा रहा है ये किस किसको धोखा दे रहे हैं किसको बता रहे हैं उसमें तो पहले से ही असला जा रहा था जो रोके गए थे ये गजाई खुराक की तो बात ही नहीं है और फिर इसके बाद ये कि ये सारी मामला के अंदर है, सिवाय इसके कि आपने जो है वो उनका उनसे उनको यकीन दहानी कराई हुई थी और कशकोले गदाई आपके पास था आपने कुछ भीख मांगनी थी उसके बाद जो है वो कुछ बहाने साजी इधर उधर की करके तो इसमें पार्लियामेंट का फैसला कहाँ है कि है पार्लियामेंट की तो इससे पहले करारदाद नहीं है किसी चीज पे अमल दरामद नहीं हुआ और ये बात बिल्कुल वाजे है और इसके बाद पाकिस्तान और ज्यादा गैर महफूज होगा तो, तो आप आ, आप क्या करेंगे आप पाकिस्तान को महफूज करने के लिए कुछ कर लीजिए आप क्या करेंगे पा, पाकिस्तान को महफूज करने के लिए सारी पॉलिसी जो है वो उसको बदलने की जरूरत है ये बड़ी खिदमतकारी हमने कर ली है दस साल कर लिया है अब तो अमेरिका वापस जा रहा है सही. अब हम जो है वो क्यों उसको जो है वो ऑक्सीजन दे रहे चले साथ ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या वाकई पॉलिसी को बदलने की एक बार फिर से जरूरत है टेक अ ब्रेक के के बाद के लिए अगर ये कबूल नहीं होती तो क्या हम इस पोजिशन में हैं कि हम कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सके एक लाइन ड्रा कर सके अगर अमरीका हमारी सिफारिशात को नहीं मानता तो हम कहां खड़े होंगे हम तो वहीं खड़े होंगे जहां हम खड़े हुए हैं लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि फिर आप उनको लेट दम ट्राई टू प्रोसीड गो अहेड विद दिस पीस प्रोसेस विदाउट पाकिस्तान फिर आप उनको कोशिश कर लेने दीजिए कि वो अफगानिस्तान में एक अमन का जो वो सिलसिला चाहते हैं और एक रिकनसिलियशन और पीस प्रोसेस चाहते हैं वो पाकिस्तान के बग़ैर वो करके देख लें कि किस तरह होता है वो मुमकिन नहीं है लिहाजा ऐसी बात नहीं है कि उनको स्टेक्स का पता नहीं है कि अगर इन सफारिशात पर बात नहीं और अभी मैं देख रही थी रिएक्शन के वो इन इन सफारिशा पे बात करने को तैयार हैं और हमें परवानी होनी चाहिए कि वो उनका जवाब क्या होगा हमें उनके जवाब की कोई परवाह नहीं है ना ये मुद्दबाना गुजारिश है मैं ये कहूँगी कि ये उसके बाद जो होगा उसका उसका भी अंदाज़ा उनको बखूबी है कि वो वहाँ से एग्जिट करने वाले हैं उनकी वहाँ दस साल की इन्वेस्टमेंट है और वो ये अगर समझते हैं कि पाकिस्तान को सब सब्रैक्ट करके इस तमाम प्रोसेस से वो इस अफगानिस्तान में अमन ला सकेंगे तो ये उन्हें भी पता है कि नहीं हो सकेगा लिहाजा ना हम इतनी वीक विकेट पे हैं कि वो ना मानेंगे तो हम क्या करेंगे हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं वो उनकी रिएक्शन की परवाह ना पहले थी ना नेटो सप्लाई बंद करने के वक्त रिएक्शन की परवाह थी ना अब है हमने अपनी बात अमरीका के रिएक्शन की परवाह तो रही है ऐसी बात नहीं है कि हमें उनके रिएक्शन की परवाह नहीं है साहब सब... अपने सिफारिश हमारा और और तो सवाल यही है की इन सिफारिशा पर अमल दरामद को मुमकिन बनाया जाए हमिदेशन सपोर्ट फंड के मद में अंदाजन तीन बिलियन डॉलर के लगभग बन गया है जो अभी हमें मिलने बाकी है क्या इस बारे में सवाल नहीं उठना चाहिए था इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए शाह फिगर्स में आपके नोटिस में लाना चाहूंगा फरवरी 2010 में अमेरिका का माहाना खर्च अफगानिस्तान में था 7.1 बिलियन डॉलर यानी चौरासी बिलियन डॉलर पर ईयर 2011 में इस वक्त उनका खर्चा है 117 बिलियन डॉलर तो वो बीच में जो 27 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ 2013 में उनका जो प्रोजेक्टेड खर्च है वो एक बिलियन डॉलर है अंदाजा कीजिए कि ये नेटो सप्लाई के रुकने से और बाकी जो उसके कुछ मामला हैं उसमें कुछ चार बिलियन डॉलर वो जो अफगान फोर्सेस को ट्रेन कर रहे हैं वो इसके अलावा हैं तो चौरासी बिलियन डॉलर से वो एक सौ नब्बे बिलियन डॉलर पर पहुंच गए अगर पाकिस्तान की वजह से उनको इतनी बचत हो रही है तो पाकिस्तान बिल्कुल हक बजाना होगा कि उनको जर तलाफी में बोले कि इतनी बड़ी बचत आपको हो रही है हमारी वजह से और हमारे इतने ज्यादा नुकसान हो रहे हैं जिनको आप बाजार मदद का नाम लेते हैं वो मदद है ही नहीं वो तो जरा तलाफी का भी जो फिगर है उसके उसके नज़दीक नहीं पहुंचती चीजें तो पाकिस्तान अपने मुल्क की पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करके आपको सपोर्ट करता रहे और अपने जो बाकी नुकसान हैं उससे उस खतः है नजर तो आप उनको एक्नोलिज करने की बजाय हमारे ही सरजमीन पर आकर ड्रोन हमले भी कर रहे हैं और यहाँ अपने आपका नेटवर्क भी इस्टेबलिश कर रहे हैं और हमारे और फिर जो कामन वैल्यूज हैं उसमें आप नाशों की बेहमती भी कर रहे हैं और कुरान को डी भी कर रहे हैं तो इन मामलों के साथ जाहिर है कि फिर जो अफगानी है वो भी अमेरिका के हर सपोर्टर को अपना दुश्मन समझते हुए उससे बदला लेगा उसका जो नुकसान है वो भी सारे पाकिस्तान को उठाना पड़ते हैं सही। जो हमले हमले इसी चीज की तफसी अभी और, तक तो हमें बदले में कुछ मिला नहीं तो अभी भी हम यही उम्मीद करें कि अभी नेटो सप्लाई बहाल करते हैं अभी भी उनका इस में एक फिक्रिया कहना चाहूंगा वो ये है कि आपके इल्म में यह भी होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर्मी नेवी फोर्स का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो चार पॉइंट बिलियन डॉलर है और इन और इनको सपोर्ट करने के लिए हम अपना बेस्ट कीमत इक्विपमेंट जो है वो भी बर्बाद कर चुके हैं हमारे कॉम्बैट जो इफेक्टिवनेस है उससे भी बड़े मनफी असरा मुरतब हुए हैं और किसी चीज की कोई कॉम्पेंसेशन आपको नहीं दी जा रही और आपको इमदाद के

उसको तो ये कौम भुगत रही है महंगाई की सूरत में लोड शेडिंग की सूरत में और जो बेपनाह किस्म के अखराजा बढ़ रहे हैं बिजली पे गैस पे पेट्रोल पे उनको तो हम पेट्रोल दे रहे हैं बगैर ड्यूटियों के छियालीस रुपए पे और अपनी कौम को एक सौ रुपए से जायद पे तो ये सारी चीजें तो कौम भुगत रही है शदीद रद्द अमल होगा और इस रद्द अमल को मौजूदा हुक्मरान जो ये हमारी बहन कह रही कि उन्हें भी हमारा पता है। उन्हें पता है 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 उन्हें उन्हें ये मालूम कि हमारे वजीर ने उन्हें कहा था कि ड्राउन हमलों पे करते हैं हमले करते रहे हमारी किसी बात का बुरा न मनाए तो यहाँ पर जब आपका किरदार उनके सामने ये हो और आपने पैसे लेने हो अपनी लूटे हुए दौलत आपने न लानी हो और कौम की रकम जो है उसको आपने खुद वापस सही इसका मतलब आप लोग एहतजाज करेंगे अगर इन सिफारिशात पर अमल नहीं किया जाता ने 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 हो हो ने हमारी कौमी सलामती तो का एहतराम तो तो नहीं किया जाता सही सही हर चीज होगी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया फरीद पर राजा साहब प्रोग्राम का वक्त मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल बता दीजिए मुस्लिम लीग नून ने पहले भी ड्रोन पर बड़ी आवाजें उठाई हैं दो करारदादे भी पेश की जा चुकी हैं लेकिन जैसे ही करारदाद पेश की जाती थी दो दिन बाद ड्रोन हमले होना शुरू हो जाते थे अपना जरा रिएक्शन बता दें अपना जरा रद्द अमल बता दें बात का लाहे अमल बता दें वो तो तैयार किया ही होगा आप लोगों ने देखें ट्रैक रिकॉर्ड जो है इस हुकूमत का वो वो तो दैट्स नो डाउट अच्छा नहीं है बिकॉज बाकी रहेगी बात स्टेक्स की कि अभी चुके स्टेक्स हमारे भी हैं और आ, नेटो फोर्सेस की भी स्टेक्स हैं अपने बिकॉज दे हैव टू गो एंड हैव टू विदड्रा इन 2014 थाउजेंड वहाँ से अफ़ग़ानिस्तान से तो उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये देखें कि आज अगर हम खम ठोक के खड़े हैं और हमने पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को लेकर के आए हैं और कंटूवर्स जो हैं मेन जो गाइडिंग लाइन्स जो हैं वो हमने ड्रा किए हैं और उन गाइडिंग लाइन गाइड लाइन जो हैं उनके ऊपर ये चल करके पॉलिसी बनती है या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है जवाब जवाब दे दे वो काम आपका करती लाए है। अमल क्या होगा वक्त दे दे, देखिए हमारा जो लाए अमल है वो तो फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर भी होता है कि हम हमेशा रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं और फ्लोर ऑफ हाउस के बा, बाहर भी हमारा ये लाए अमल होगा कि हम मीडिया के अंदर भी पब्लिक के अंदर भी जो पब्लिक परसेप्शन है बिल्कुल हम उसके साथ चलेंगे और खास तौर पर पाकिस्तान की सलामती के हवाले से हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और ना किसी कॉम्प्रोमाइज के अंदर हमको हिस्सा बनेंगे खास तौर पे के इन हालात के अंदर कि जब हम इस दोराहे के ऊपर खड़े हैं पॉलिसीज़ जो हैं वो नई मुरतब होने जा रही है, है। बहरहाल साथ सिफारिश को मंजूर करना ही काम नहीं इन पर जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ऐसी सिफारिश और इजलासों का कोई फायदा नहीं अब शायद वो वक्त आ गया है की हमें वो लाइन ड्रॉ करनी है जिन पर चल के हमें अपनी कौमी सलामती जो है इसको महफूज बनाना है नहीं तो शायद कल हम ये ना कहें कि काश सही वक्त पर हमने सही फैसले कर लिए होते प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया शाजी अक्रम को पॉलिसी मेटर से इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज